2022 के क्वेट के एग्जाम का फर्स्ट फेज हमारा कंप्लीट हो चुका है और एग्जाम के रिव्यूज लेके हमारे साथ हमारी स्टूडेंट ईशा सिंगल है, जो आपको अपडेट करेगी कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, क्या लेवल था, कैसे नेगेटिव मार्किंग पे कंट्रोल करना है। तो पूरी फुल डिटेल आपको इस सेशन में मिलेगी। चलिए ईशा से बात करते हैं कि उन्होंने कौन कौन से एग्जाम्स फिल किए थे और उसका क्या क्या लेवल था। यस ईशा, आपने कौन कौन से एग्जाम्स फिल किए थे? इंग्लिश, बिजनेस स्टडी, अकाउंट्स एंड जनरल टेस्ट। अच्छा, और आपने कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज फिल करी है? दयालबाग यूनिवर्सिटी। लेकिन दयालबाग में तो ओनली जनरल टेस्ट की रिक्वायरमेंट थी, तो आपने इतना सब क्यों फिल किया? जब सबने बोला तो फिर मैंने भी फिल कर दिया। अच्छा, सबको देखा देखी आपने भी फिल कर लिया। Yes. चलो ये भी एग्जाम दे के देख लेते हैं। चलिए, इससे बेनिफिट मिलेगा हमारे स्टूडेंट्स को जो कि वेट कर रहे हैं कि उनका भी अगस्त में सेकंड फेज में पेपर है। चलिए बात करते हैं अबाउट इंग्लिश। हाँ जी, इंग्लिश में बताइए कि इंग्लिश का पेपर का लेवल बताइए। लेवल कैसा था? अच्छा, लेवल इजी था। अच्छा, और इंग्लिश में वैसे कौन कौन सा टॉपिक्स में से क्वेश्चन आए थे? कॉम्प्रिहेंशन, स्पीच और स्पेलिंग्स, वर्ड मीनिंग्स, एंटोनियम सिनोनियम्स और मैचिंग्स। अच्छा, कॉम्प्रिहेंशन में बात करें तो कॉम्प्रिहेंशन में कितने कॉम्प्रिहेंशन आए थे और उसमें क्या क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए थे या घुमा फिरा के पूछे जा रहे थे? कुछ डायरेक्ट भी थे और कुछ मतलब घुमा फिरा के भी थे। मतलब मेरे में तो सिर्फ दो कॉम्प्रिहेंशन थे, बट जो मेरे फ्रेंड्स थे उनके में 4-5 कॉम्प्रिहेंशन थे और उससे रिलेटेड 25 क्वेश्चन थे। अच्छा, मतलब कम से कम 20-25 क्वेश्चन, 50% जो है वो कॉम्प्रिहेंशन ने कवर किया है। बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा और क्या क्या था? सिनोनिम, एंटोनियम। सिनोनिम, एंटोनियम हमारे कितने हो गए? 5-6। अच्छा, 5-6 वर्ड मीनिंग हो गए और सिनोनिम भी अभी हमारे 5-6 हो गए। इसके अलावा और रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस थे, उसके क्वेश्चंस रिलेटेड 2-3 थे। अच्छा, 2-3 क्वेश्चन इसके भी थे। और कौन कौन से थे? और वर्ड मीनिंग्स तो स्पेलिंग्स थी, स्पेलिंग्स थोड़ी टफ थी। अच्छा, स्पेलिंग्स। स्पेलिंग्स के कितने क्वेश्चंस थे हमारे पास? 8-9। अच्छा, 8-9 क्वेश्चंस थे। तो स्पेलिंग्स के क्वेश्चंस ज्यादा थे जिसमें चार ऑप्शंस में दे दी जाती है स्पेलिंग और आपको फाइंड आउट करनी पड़ती है कि कौन सी स्पेलिंग सही है। इसके अलावा अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो आपने कुछ ऐसा तो नहीं किया था कि तुक्का लगा दिया इंग्लिश में? और इंग्लिश में तो नहीं, मैंने जनरल टेस्ट में लगाया था, उसमें एक क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था मुझे। अच्छा, उसमें सर्कल दे दिए थे और उसमें बताना था आर्ट स्टूडेंट का मतलब कौन सा क्वेश्चन सर्कल है, तो मैंने उसमें तुक्का लगा दिया था। वो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था मुझे। इंटरेस्टिंग लग रहा था, आप तुक्का भी लगा देंगे? ऐसे नहीं करते हैं, नेगेटिव मार्किंग से बचा जाता है बिकॉज यहाँ पे कंपटीशन बहुत हाई है। 16,00,000 फॉर्म भरे गए हैं। एक बात और पूछनी थी कि आपको ऐसा लगा कहीं पे कि अगर मैं कोई और स्ट्रेटेजी फॉलो करती स्टार्टिंग से ही, जितनी प्रिपरेशन मैंने करी है और दूसरी स्ट्रेटेजी अगर मैं फॉलो करती उससे मेरा थोड़ा रिजल्ट बेटर हो पाता, जो मैंने अभी परफॉर्मेंस दी है उससे थोड़ी बेहतर परफॉर्मेंस निकल पाती, अगर मैं कुछ और प्रैक्टिस कर लेती, कुछ कमी रह गई थी, हमारे पास नोट्स अवेलेबल नहीं थे या कोई टीचर्स अवेलेबल नहीं थे, या आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट लगी अगर वो मिल जाए तो आप अच्छा कर पाते हो? थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव का पार्ट था, जैसे उसमें क्वेश्चंस वगैरह थे वो थोड़े डिफिकल्ट थे। अच्छा, और स्पेलिंग्स में थे मतलब बहुत कंफ्यूजन था स्पेलिंग्स में। अच्छा, थोड़ा वक्त उसमें स्पेलिंग्स वगैरह अगर ज्यादा सर्च करते तो थोड़ा ज्यादा अच्छा होता। अच्छा, मतलब आप खुद ही अपनी प्रैक्टिस करते तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिल पाता, और जो कंटेंट की आपको रिक्वायरमेंट थी कि मतलब अगर हमें कोई बुक्स वगैरह अवेलेबल हो जाए या कॉम्प्रिहेंशन के लिए प्रैक्टिस के लिए हमें कुछ क्वेश्चंस मिल जाए, तो आपको उस कंटेंट की रिक्वायरमेंट थी, टीचर की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी मतलब। ओके, चलिए बहुत अच्छा लगा। तो इंग्लिश का था ये पूरा ओवरऑल रिव्यू जो हमें ईशा ने दिया है। बाकी का इनके और भी सब्जेक्ट्स थे जिसमें इन्होंने काफी अच्छा किया है। थैंक यू ईशा, आपने हमारे व्यूअर्स और अपने दोस्तों की काफी हेल्प करी है, आपका एक्सपीरियंस उनके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। थैंक यू सर। ओके।